أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم welcome 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 आमना के किचन में वेलकम। क्या हाल है आप लोगों का? उम्मीद है आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ लेबनेज फतोश सैलेड, जिसके लिए हमें चाहिए हाफ प्याली अनियन, ये क्यूब्स में कटी हुई है, हाफ प्याली मिक्स ग्रीन और रेड वाली शिमला मिर्च, हाफ प्याली पुदीना और हरदनिया, इसको मैंने मिक्स करके रखा हुआ है, एक प्याली हमें चाहिए ये खुबूस, आपकी मर्जी है, आप इसको ओवन में थोड़े से ऑयल में टोस्ट कर लें या आप डीप फ्राई कर लें। इस टाइम मैंने ये डीप फ्राई किया हुआ है क्योंकि डीप फ्राई का टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है और रेडीमेड ये बाजार से भी मिल जाते हैं। और एक प्याली ही हमें चाहिए कुकम्बर, एक प्याली ही हमें चाहिए टोमेटो और एक प्याली ही सलाद के पत्ते। अब हम इसकी ड्रेसिंग की तरफ आते हैं और हमें अब इसकी ड्रेसिंग के लिए चाहिए 4 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल के अंदर मैंने एक जवा जो है लहसुन चॉप करके डाला हुआ है, इससे ज़्यादा नहीं डालिएगा, और 2 टेस्ट नमक, 2 टेबलस्पून लेमन का जूस और 1 टीस्पून ब्लैक पेपर। अब हम इसको एक बॉल के अंदर अब इसकी सबकी मिक्सिंग करते हैं। ये है धनिया एंड पुदीना मैंने डाला है, ये टमाटर, ये कुकम्बर, आइसबर्ग, शिमला मिर्च ग्रीन वाली और रेड वाली और ये अनियन। अब हम इसके अंदर ड्रेसिंग डालेंगे, ऑलिव ऑयल विद लहसुन, सॉल्ट, ब्लैक पेपर और लेमन का जूस। इन सबको आप हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। सारी चीज़ें डाल दी हैं मैंने सिवाय खुबूस के, वो हम बिल्कुल एंड में ऊपर से डालेंगे। ये देखें, ये हमारी मिक्सिंग हो गई है सही तरीके से और अब हम इसके अंदर ये खुबूस डाल देंगे। थोड़ा सा चमचा चलाएंगे ताकि नीचे भी चलेगा और ये खुबूस हमने डाल दिया। अब मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखिए हमारी ये सैलेड रेडी हो गई है और आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है आप लोगों को सबको बहुत अच्छी लगेगी। मेरी और मेरी टीम की तरफ से अल्लाह हाफिज़।